मोहित बहुत दिन हो गए यार, बोर हो रहे हैं, कुछ करते हैं यार। मैं भी यही सोच रहा हूँ यार, धमाका तोड़ फोड़ की भी कुछ तोड़ देते हैं, लेवल का करते हैं कुछ, तोड़ देगा कुछ करे तो गाड़ी स्टार्ट कर। हाँ क्या कर रहे हो? उधर बवाल मचा रखा है, घुमा रहे हो, ये है वो है। अरे हम लोग भी हैं यहाँ पे, हमको भूल गए, बड़ी जल्दी भूल गए हैं। तो फिर चल क्या रहा है ये? तो धमाका साथ में करना चाहिए ना, ऐसे करना चाहिए धमाका। अरे तो बता तो दिया करो मेरे को, अब तो तुम हो जाओगे, रुक जाओ मेरे को तो जाना है। अरे पर जाऊंगा, हाँ करेंगे साथ में, साथ करेंगे, रुक जाओ। अरे डर जाओ। क्या कर रहे हो, ये मशीन क्यों खड़ी है यहाँ पे? ये क्या हमने ये मशीन खरीद ली है? खरीदी नहीं है। तो गाइस आज हम गाड़ेंगे खंबा, आज हम गाड़ेंगे जमीन में खंबा, और ये जो है खंबे गाड़ेगा। चलो गाड़ते खंबे। अमित भाई इतना काम है यार यहाँ पे, आप फोन चला रहे हो? चल भाई कमा लिया आज के प्रॉफिट, चलो लगाओ इसको। अरे अपने ओपिनियन से, अपनी नॉलेज से पैसे कमा रहा था। ये कैसे? अरे प्रोबो से। प्रोबो क्या होता है? प्रोबो तू नहीं जानता? यहाँ पर हाँ या ना में ओपिनियन दे करके अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं। अच्छा हाँ, आपने कितने कमाए अभी तक? अरे अभी इंडिया श्रीलंका का जो T20 मैच था ना, उसमें प्रोबो पे सवाल आया था कि सूर्य कुमार यादव 25 से ज़्यादा स्कोर करेंगे या नहीं। मेरा जवाब सही था, मेरा ओपिनियन, और मैंने 20,000 रुपये लगाए थे, 80,000 रुपये का मुनाफा हुआ था उसमें। और भाई प्रोबो पर बहुत अलग अलग कैटेगरीज भी हैं, जैसे ही क्रिकेट, एंटरटेनमेंट, क्रिप्टो, ये सब भी।
अभी पता है जो इंडिया श्रीलंका की ओडीआई सीरीज होगी उसमें प्रोबर सवाल है कि इंडिया और श्रीलंका में से कौन जीतेगा, तुझे क्या लगता है? इंडिया जीतेगी यार। तो यहाँ पर अगर अपन ये सेलेक्ट करते हैं क्योंकि अपन कॉन्फिडेंट हैं, और अगर ये सही हुआ तो हम जीतेंगे रियल कैश। ये पैसे कैसे निकलेंगे? अरे तू फोन पे, पेटीएम, यूपीआई कार्ड कैसे भी विड्रॉ कर बढ़िया से। बढ़िया ऐप है, पहले क्यों नहीं बताया? अरे भाई तो अभी कौन सी देर हो गई यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से चेकआउट कर लो, और अभी करने पर 25 रुपये का वेलकम बोनस भी मिलेगा। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रोबो के ऊपर ओपिनियन दे करके पैसे कमा चुके हैं, आप भी कमाओ और तू भी कमाओ। अभी तो बंद कर ले, डर जा विकास बनियान तो पहले दो। अरे भाई पूरा जो है मिट्टी मिट्टी में हो गए। यहाँ पर गाइस अब हम पता क्या करने वाले हैं, जो गाड़ी है उसके ऊपर ये बड़ा स्क्रू चलाने से पहले इसकी पावर की टेस्टिंग करने वाले हैं। पहले इसको मिट्टी में चलाएंगे, एक दो और चीजों में चलाएंगे, और उसके बाद में भाई गाड़ी के बीचों बीच जो है इसको ठोक देंगे और देखते हैं कि ये क्या हाल करता है गाड़ी का। तो गाइस यहाँ पर ये घूमने लग गया, और तेरी दे दो भैया डाल दो। क्या करेंगे ऐसे? अच्छा लोड डाल रहे हैं उसमें। और गाइस ये देखो पूरा अंदर घुस गया ये, और ट्रैक्टर की पावर लग रही है इसमें फिलहाल। ये देखो पूरा अंदर घुस गया। ओ वाओ भाई साहब, बस 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 भैया निकाल दो। कितना मस्त निकल रहा है। हाँ अब निकलेगा, अब मिट्टी बाहर आएगी सारी है? ना यार। भाई साहब कैमरो गयो मारो। हाँ भाई साहब ज्यादा नीचे फेंक दिया गयो, टूट गो। गाइस एक और वीडियो और हमारा एक और, भाई साहब एक बार बंद कर लो, और हमारा एक और कैमरा एक वीडियो की भेंट चढ़ चुका है। गाइस देख सकते हो आप लोग, ये गोप्रो था जो कि यहाँ पे लगा हुआ था, शॉट्स ले रहा था, और अभी आप देख सकते हो कि ये जो है पूरा आवाज़ हो रही है इसमें, पूरा टूट गया भाई। देखो कैसे डैमेज हो गया, दब गया ये इसके अंदर, ये देखो टूट गया। पकड़ो इसको गाइस, इसकी गहराई दिखाते हैं आपको। हाँ आ जाओ, इसको डालो इसमें। देखो जो गड्ढा है वो हो गया एक्चुअली में। डाल दो डाल दो डाल दो। अरे 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 जावा देना यार, छोड़ दो। अड़ जाओ। तो गाइस आप देख सकते हो जो गड्ढा है ना वो प्रॉपर हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना गहरा भी है। निकल जाओ इससे तू। गाइस यहाँ पर एक गड्ढा और इसमें होगा छेद। ओ त्रियो ये तो पूरा ही घूम रहा है। ओ भाई साहब जावा दो अंदर। ओ त्रियो अंदर जाने दो। और गाइस ये वही गद्दा है जिसपे हमने 24 आवर चैलेंज भी किया था, हम लोग 4-5 साल इसमें सो भी चुके हैं, और अब ये पुराना हो गया था। और ये तो उत्तरी उत्तरी उत्तरी। हट जाओ उधर से, हट जाओ भाई साहब। ये तो ऐसी तैसी कर दी पूरी इसकी। अरे कैमरा दोबारा गया क्या? अरे यार ओ तेरी गाइस, ये वाला भी गया। अबे क्या हो रहा है ये? शिट, क्यों लगाते हो तुम इसमें ये कैमरे? भाई साहब रुक जाओ, जो था वो और गया यार हमारा तो। पर डिस्प्ले गायब हो गई भाई पूरी। भाई चिपकी हुई है अभी भी। हैं? ओ तेरी। गाइस ये रही कैमरा की डिस्प्ले। अरे यार गाइस हमारे कैमरे का दुश्मन ज़्यादा है ये। ले हर चीज़ को ही जो है इस तरीके से देखो। ये तो भाई बहुत खतरनाक इसमें फंसी हुई है। उखाड़ो। हाँ तो भाई ये हुई है गद्दे की हालत। तो गाइस कुछ ऐसा हुआ है गद्दे का हाल। अब आते हैं गाड़ी के ऊपर और गाड़ी में देते हैं इसको और देखते हैं क्या होता है हाल। तो गाइस यहाँ पर जो गाड़ी है वो पोजीशन में लग चुकी है। यहाँ पर ट्रैक्टर है वो भी पोजीशन में एकदम तैयार खड़ा है ड्रिल करने के लिए गाड़ी के बीचों बीच। करते हैं भाई जब ट्रैक्टर को स्टार्ट करो, एकदम बीचों बीच जाने दो यहाँ पे। भाई हट जाओ। तो गाइस अब एकदम रेडी है यहाँ पे ड्रिल होने के लिए।
चलो घुमा दो। तो गाइस ये हो गया छेद हो गया भाई, गाइस गाड़ी की छत में छेद हो गया उत्तरी। ओ भाई छेद हो गया भाई, टूट गया लोहा, टूट गया उत्तरी। ओहो गाड़ी में ड्रिल हो रहा है गाइस, गाड़ी में ड्रिल हो रहा है, गाड़ी में छेद हो रहा है। वो देखो भाई हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी, आर पार ही जा रहा है वो तो। ओ तेरी गाड़ी उठ रही है ऊपर नीचे। भाई नीचे अभी तक नीचे तो नहीं आया है, गाड़ी हवा में उठ रही है। ओ भाई साहब, ओ तेरी क्या पावर है इसके अंदर भाई, खतरनाक है, डर लगता है देख के। ओ तेरी वो गाड़ी को ही पूरा और उठाओ देखे भाई, पूरी 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 गाड़ी को हवा में उठा लिया इसने, पूरी गाड़ी हवा में है। छेद हो गया आर पार छेद हो गया, आर पार छेद हो गया गाड़ी में। देखो भाई ये देखो, ये इसके अंदर जो है मिट्टी आ रखी है फिलहाल गाड़ी में, और आप लोग देख ही सकते हो कि किस तरीके से अंदर खोद रहा है, गाड़ी के अंदर चल रही है ये ड्रिल फिलहाल। ये देखो अंदर है भाई, गाड़ी के अंदर मिट्टी भर गई है बहुत सारी। ओ तेरी ग्लास उड़ गया भाई, बस भाई साहब एक बार बंद कर दो गाड़ी, बंद कर दो एक बार। ओ तेरी गाइस, जो गाड़ी है उसमें आर पार छेद हो चुका है भाई, आर पार छेद हो गया ये देखो, और अंदर मिट्टी आ गई अंदर से, ये देखो भाई मिट्टी आ चुकी है अंदर से मिट्टी। भाई साहब जो ड्रिल है वो गाड़ी के आर पार घुस गई भाई, पूरा छेद कर दिया अंदर से, मिट्टी निकाल दी भाई साहब। बाहर निकालो अब इसको, फिर हालत दिखाते हैं आपको गाड़ी की। अरे गाड़ी को और उठा देता है अपने साथ में, ये देखो मिट्टी खोद के आया भाई अंदर से। भाई साहब हटा लो ट्रैक्टर को, अब ले जाओ। अरे ये अंदर ये क्या है, ये सीट है इसकी भाई, ये देखो इसमें पूरा इसकी जो सीट्स हैं वो उलझी हुई हैं, ये देखो ये पूरा इसकी सीट वगैरह जो है ना वो उलझी हुई है, ये देखो ये सीट का मटेरियल है, ये सीट है इसकी। पूरी सीट को ऐसे इतना खराब कर दिया देखो इसने, और अपने में लपेट लिया और जमीन के अंदर ले गया था, वापस से बाहर आ चुका है। तो भाई ये है ट्रैक्टर और ये है गाड़ी, ये देखो हालत एक बार, यहाँ से शीशा टूट गया, पूरा लोहे की जो चादर है ना ये वाली, इस चादर को फाड़ दिया इसने और इतना बड़ा छेद कर दिया। देखो मेरे पैर से कंपेयर करो एक बार इस छेद को, और अगर अंदर देखें भाई तो ये गाड़ी के अंदर हम ऐसे ही घुस गए सीधा। ये देखो ये सामने की हालत है, सामने का शीशा भी टूट गया है, और ये है इस साइड की हालत, इसमें गियर वियर स्टीयरिंग वगैरह सब कुछ जो है गाड़ी का ख़राब हो गया, और यहाँ पर ये गड्ढा हो गया भाई। गाइस हालत देखो एक बार गाड़ी की भाई, पूरी गाड़ी में एकदम बीचों बीच ये होल हो गया, देखो कैसा लग रहा है भाई, गाड़ी कैसी लग रही है, और इसमें से अगर अपन अंदर जाते हैं तो भाई पूरा नज़ारा देखो एक बार, कितना ऐसा लग रहा है कि ये क्या हुआ, और यहाँ पर हुआ है ये होल, ये तो बहुत गहरा गड्ढा हुआ है यहाँ पर ड्राइवर वाली जगह पे। और मैं फिलहाल खड़ा हूँ भाई इस गाड़ी के ऊपर, जिसके बीचों बीच इसकी जो बॉडी है उसमें होल हो रखा है, आई होप आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखो भाई बहुत अजीब लग रहा है। तो भाई अब मुझे लगता नहीं कि कुछ भी हमको बोलने की ज़रूरत है कि क्या हाल होता है जब ड्रिल किया जाता है गाड़ी को। गाइज आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी अपनी जो गाड़ी है वो ड्रिल करी होगी, हमने कर दी है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप लोग भी इस वीडियो के लिए गाइज लाइक का बटन जरूर से दबा देना, और गाइज अगर आपके पास में ओपिनियन है तो गली मोहल्ले में मत दीजिए, प्रोवो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर दीजिए 25 रुपए का वेलकम बोनस भी लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। स्टार्ट होगी है स्टार्ट, अरे हालत ये तो देखो एक बार भाई, हालत खतरनाक हो रखी है, ये देखो गेट खुलने के बाद में।
ये गड्ढा तो ये उठ के उधर चली गई, ये देखो कितना गहरा तो यहाँ पे गड्ढा हो गया। और ये इसकी अंदर की हालत है भाई, खतरनाक हालत है ये।